पर और आप देख रहे हैं बस ऑटो सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास गाड़ी तो नहीं है, लेकिन आज हम अपने इस टेबल के ऊपर जो काम करने वाले हैं उसकी वजह से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो लाजमी यहाँ तक देखिएगा, वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास कैश है BMW का इमोबलाइजर, तो यूरोपियन गाड़ियों में से कैश बोलते हैं, जिसके हम फ्लैश और ईप्रोन रीड करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास DCM है BMW का, तो इसकी भी हम फ्लैश और रीड करेंगे ईप्रोन। तो आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी कि हम कैसे सिलेक्शन करते हैं और कैसे हम पिन आउट लगाते हैं, किधर हमें पिन आउट अपनी लगानी है। तो सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लाजमी आप तक देखिएगा। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास XP 400 प्रो और इसके साथ ही हमारे पास मैक्सिस IM608, जिसके साथ हम इसे अटैच करेंगे और इन दोनों को अटैच करने में हमारी मदद करेगी ये केबल। आप देख सकते हैं कि ये USB वाली साइड इधर लगेगी इस पे और दूसरी साइड जो हमसी है वो हमारे प्रोग्रामर में लगेगी। तो इधर हम लगाते हैं इसे। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने अपना प्रोग्रामर अपने स्कैनर के साथ अटैच किया हुआ है इस वायर के जरिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पहला पेज है, इमो है, डायग्नोस है और प्रोग्रामिंग है और सर्विस है, अपडेट है। तो हम जाएंगे प्रोग्रामर में, तो क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये चिप है, ईप्रोम है, MCU है, ECU है। तो हम इधर क्लिक करते हैं तो हमारे पास चिप रीड एंड राइट का ऑप्शन आता है। इधर जाते हैं तो उसके बाद हम सबसे पहले अपना रीड करेंगे इमोबलाइजर गैस को। तो इमोबलाइजर है तो हम इमोबलाइजर में जाएंगे। तो गाड़ी हमारी BM है तो BM में जाएंगे। तो उसके बाद इधर हमने देखना होता है कि हमारा प्रोसेसर जो सा है, हमारा जो मॉड्यूल है उसका सीरियल नंबर क्या है। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे कोड हैं। तो इनको सिलेक्शन करने से पहले हम जाते हैं अपने कैश के ऊपर और उसके प्रोसेसर का देखते हैं क्या कोड है और कोड मैच करते हैं इनमें से कोई एक हमारा। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने कैश के ऊपर और देखते हैं, ये हमारा कैश है इमोबलाइजर, इसके ऊपर जाते हैं। अगर आप देख पाए तो OL15Y OL15Y। तो अभी हम इसे तलाश करेंगे अपने स्कैनर के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने ही है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो इधर हमें ऑप्शन देता है वो फ्लैश का और ईप्रोम का। तो हम पहले फ्लैश में जाते हैं। तो इधर हमें वो ऑप्शन दे रहा है फ्रेंड्स, एक तो हमें डायग्राम दे रहा है, उसके बाद हमें सेटिंग है थोड़ी सी वो दे रहा है और रीड और राइट का ऑप्शन दे रहा है हमें। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, उसे जो सिलेक्शन करनी है। ये वोल्टेज है, वोल्टेज आपने 5 वोल्ट करने होते हैं, जैसे आप जो उसकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आपने उसके वोल्टेज करने हैं। अगर 5 वोल्ट मांग रहा है वो तो 5 वोल्ट ओके, इसके हम 5 वोल्ट करेंगे, 5 वोल्ट हमने ओके किए। उसके बाद हम जी तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ सेटिंग है जिसे हमें ऑन या ऑफ करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि रीड वैलिडेशन, तो अगर आपने फाइल को रीड करना है ईप्रोम को या किसी फ्लैश को भी,
तो आप इधर क्लिक करेंगे और इसे ऑन करेंगे। तो अगर आप राइट कर रहे हैं फाइल को तो इधर से आपको इसे ऑन करना होगा, लेकिन अभी हम रीड ही करेंगे तो हम इसे वापस आते हैं। और इरेज, अगर आप, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इसे ऑन कर देते हैं या गलती से ऑन है पहले की, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसका काम क्या है कि अगर आपकी फाइल रीड होती है, अगर ये चीज ऑन है इधर से, अभी तो वैसे ऑफ है, अभी हमने ऑन की है, तो अभी हम फिर से ऑफ ही कर देते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं। क्योंकि अगर इसका काम ये है कि अगर ये ऑन हो गया, ये ऑप्शन आपका ऑन होगा, तो आपकी फाइल रीड कर लेगा, वो आपका प्रोग्रामर फाइल को रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसे आपके जो पुराने मॉड्यूल से जिससे आप फाइल उठाओगे उससे पीछे से इरेज कर देगा, उसे क्लियर कर देगा, साफ कर देगा, मतलब वो फाइल, मतलब आपके पास तो फाइल आपको दे देगा रीड करके, और परफेक्ट रीड करके देगा, उसके बाद वो पीछे से उड़ा देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इसे ऑफ ही रखते हैं, हमें, और हमें इस सेटिंग में अभी सिर्फ रीड का ही ऑप्शन ऑन करना है, तो हमें ऑन है हमारा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम जाते हैं डायग्राम में, तो ये भी पार्ट जो सा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इधर से ही हमें पूरे कनेक्शन मिलेंगे, हमने किधर वायर लगानी है, कौन सी वायर किधर लगानी है, और कौन सा हमने अडाप्टर यूज करना है। तो ये उसने डिटेल दी है कि आप कौन सा अडाप्टर यूज करेंगे, तो हम क्लिक करते हैं इधर, और इसने पूरी पिक ली है, हमारे इमोबिलाइजर, हमारे कैस की भी, आप देख सकते हैं कि ये सेम सेम है, ये हमारा, उसकी शक्ल सेम है, आप देख सकते हैं, ये जो अंदर दिखा रहा है हमें वो भी सेम है। अभी जिधर उसने पिन आउट बताए हमने उधर ही लगाने हैं, तो फिर ही हमारी सही रीडिंग हो पाएगी सक्सेसफुली, नहीं तो हमें एरर कोड दिखाएगा, शो कराएगा। ये जो हमें दिखा रहा है ग्राउंड वगैरह टी आर, ये वो सब कुछ हमें रीसेट वाली वायर जिधर जिधर वो बोल रहा है उधर ही हमने लगानी है। तो ये आपने अगर सीधी और सही लगा ली तो आपकी फाइल जो सी रीड होगी जाएगी, कोई मसला नहीं आएगा। अगर ये आपने गलत लगाई है, इधर लगनी चाहिए उधर नहीं, या कोई मसला मसाइल आया, तो फिर जो सा प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई एरर कोड शो करा देगा। तो ये हम लगाते हैं अभी इसको सही परफेक्ट अपनी जगह। तो फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं अपने अडाप्टर को ढूंढते हैं अपने बॉक्स के अंदर, स्कैन टूल का जो बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर सारे अडाप्टर मौजूद हैं। फिर हम क्लोज करते हैं और देखते हैं क्या नंबर है, अडाप्टर का नंबर होता है। तो प्रोग्रामिंग के लिए हमें APA109 बोल रहा है वो कि ये यूज होगा, तो ये हम देखते हैं। इसकी वायरिंग भी ये हमें सारी उधर मिले जिसमें वो हम इसे लगाएंगे। तो जाते हैं बॉक्स के अंदर, ये सारे अडाप्टर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये AAC001। इसी तरह हमें अपनी ढूंढनी है जो हमें उसे बताइए, तो APB125, तो ये वाली APA109। तो अभी इसे हम निकाल लेंगे और कनेक्शन करेंगे। जी, तो फ्रेंड्स, हमने अपनी जो डॉक्टर उसने बोला है APA109 वो हमने उसे अटैच कर लिया, उसके साथ सिंपली ऐसे लगाना है। और उसके बाद मेन चीज जो है, जो देखने वाली है, जो इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि ये 5 वोल्ट आप देख सकते हैं, सिर्फ कलर ही आपने मैच नहीं करने होते, इधर भी लिखा होता है, आप देख सकते हैं कि +5 वोल्ट, और उसके साथ ब्लैक वायर है, ये ग्राउंड है, इसी तरह आपने ग्राउंड अटैच करना है, और TR की वायर ब्लू है, TR की वायर आप देख सकते हैं, इसी तरह ये वायर रीसेट की। तो इसी तरह आपके सब बराबर होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए जिधर उसने बोले। ये ब्लैक वायर एक, ये देख सकते हैं आप ग्राउंड, उसके साथ OSC की, और ये भी आप देख सकते हैं OSC। इसी तरह आपने जिधर उसने बोला उधर ही आप लगाएंगे, जो ये उसने पिक उधर से उठाई है, इधर उस वो निशान दे रहा है, इधर से उसने पिक उठाई है और उसे खोल के वाजिया किया कि किधर आपने लगानी है वायर, इस पॉइंट पे उसने बोला है आप
आराम से और तसल्ली से बैठ के आपने इससे पहले लगाना है, सही लगाओगे तो रीड होगा, नहीं तो एरर देगा वो। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने आपकी डायग्राम को सामने रखते हुए देखना है कि कौन सी वायर किधर लगेगी, और फिर आपने अपने मॉड्यूल के ऊपर आना है और देखना है कि कौन सी किधर लगेगी। तो फिर आपने अपने डायग्राम पे के ऊपर देखते हुए काम करना है कि जो सी वायर है वो बता रहा है, जो कोड बता रहा है उसके ऊपर रीसेट की बता रहा है तो रीसेट की आपके पास मौजूद है, टी आर की बता रहा है तो टी आर की मौजूद है या नहीं, 5 वोल्ट और ग्राउंड तो अमूमन हर वायर में ही होते हैं। तो बाकी सारी अपने पूरी करने, यानी कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारी यही अटैच होगा, यही हमारा ग्रिप अटैच होगा, यही अडाप्टर यूज होगा। तो सिर्फ कलर कोडिंग ही आपने मैच नहीं करनी, बल्कि आपके ऊपर आपके अडाप्टर के ऊपर जो बता रहा है वो भी आपको मैच करने। तो अगर रीसेट की वायर जो वो बता रहा है, टी आर की अभी हम लगा रहे हैं, टी आर की अगर वो जिधर बता रहा है उधर ही लगनी चाहिए, रीसेट की जिधर बता रहा है उधर ही लगनी चाहिए, ग्राउंड और 5 वोल्ट जैसे जैसे उसने बताया उधर ही हम लगाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारा जो उनसे वो परफेक्ट और सक्सेसफुली रीड होगा हमारा मॉड्यूल। तो ये फंड सिर्फ एग्जाम्पल ही आपको सिर्फ एक के ऊपर करके दिखा रहा हूँ, बाकी का फंडा भी यही है, इसी तरह ही आपने बस सामने आपकी डायग्राम सामने होनी चाहिए और सिर्फ आपको परफेक्ट लगाना है, इंशाल्लाह आपकी फाइल परफेक्ट रीड होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके पास काबिया जॉन्स है वो अच्छी नोक का हो, अच्छी नस्ल का हो। इसकी सारी वायरें डायग्राम देखते हुए सही परफेक्ट लगा दी, तो अब इंशाल्लाह हमारी जो रीडिंग है वो सक्सेसफुली होगी। तो फ्रेंड, ये जो हमारा साथ प्रोग्रामर है ये और भी बहुत से काम करता है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर इधर और भी बहुत सी चीज़ें लगती हैं, ये की प्रोग्रामिंग के लिए स्पेशल है। तो चलते हैं अपने स्कैन टूल की स्क्रीन पे और सिलेक्शन करते हैं दोबारा प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट। तो चिप ईप्रोम, तो चिप रीड एंड राइट, तो ये जो हमारा कैश है इमोबिलाइजर है, तो इमोबिलाइजर में जाते हैं। तो गाड़ी हमारी BMW है, BMW में जाते हैं। तो हमारा जो पर्सनल कोड है प्रोसेसर का वो OL15Y, तो OL15Y को सिलेक्ट करते हैं, तो ओके करते हैं। तो ये जो दो हमारे पास दे दिए उसने फ्लैश और ईप्रोम, तो फ्लैश टिक करते हैं, तो रीड के ऑप्शन पे जाएंगे हम, रीड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल जो उनसे है रीडिंग उसकी स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लाइट देख सकते हैं, ये ब्लिंक करनी शुरू होगी, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल रीड होना शुरू है। जब फाइल रीडिंग वो डाटा लेगी उधर से तो लाइट उसकी ब्लिंक करेगी। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आप स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर की जो डिवाइस है उसके अंदर भी इसी तरह एक लाइट ब्लिंक करती है जब वो कोड को रीड करता है, या आप जो प्रोग्रामिंग कुछ कर रहे हो, कुछ काम इस तरह कर रहे हो तो वो लाइट उसकी ब्लिंक करती है। इसी तरह ये भी डाटा ले रही है और लाइट उसकी ब्लिंक कर रही है, तो इसकी ये निशानी है कि वो सही रीड कर रहा है, रीड हो रही है फाइल अभी हमारी। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आप देख ही रहे हैं जो हमने किया है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी सिलेक्शन जो उनसी वो सही होनी चाहिए और आपके जो पिन हैं, जो उनसी वायरें हैं वो डायग्राम के मुताबिक होनी चाहिए, जिधर वो बोल रहा है, जिधर जिसको वो बोल रहा है उधर आपने वही लगानी है, तो आपकी सक्सेसफुली रीड होगी इंशाल्लाह। तो कुछ मुश्किल नहीं है, हर बंदा ये काम कर सकता है। तो अभी तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका भी हौसला जो सा वो बुलंद हुआ होगा कि यार ये क्या इतना सा काम है सिर्फ, तो हमें तो पता नहीं था। शायद बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे इस काम को, लेकिन मैं उनका नाम ले रहा हूँ जिन्हें शायद जो नए हैं इस काम में या वो नहीं जानते, उनको शौक है इस चीज़ का लेकिन वो नहीं जानते कि ये किस तरह होता है। तो अभी हमारी फाइल जो सी वो करीब
करीब है, तो 100% तो अभी इसने दोबारा शुरू कर दी है फ्रेंड, ये दोबारा लेगा, एक बार इसने की अभी दोबारा फिर करेगा इसे। तो इधर हम लेंगे एक ब्रेक, जी फ्रेंड्स फ्रेंड्स वीडियो बहुत लेंथी हो रही है इसलिए ब्रेक लेनी पड़ी। तो अभी हमारी फाइल जो हमसी वो करीब ही है, तो आप देख सकते हैं कि उसने मुकम्मल रीड कर ली, जो उसके अंदर जो भी डाटाबेस थी, जो भी फाइल थी, उसने हमें हमारे सामने खोल के रख दी। इधर हमारे पास ऑप्शन है सेव का, तो सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी फाइलें आ चुकी हैं जो हमने रीड की हैं, आपको सिर्फ एक ही दिखाई है ताकि बाकी का फंडा भी यही है, इस तरह हमने ये रीड की है, यही कुछ उनके साथ करना है, सिर्फ आपके कनेक्शन सही होने चाहिए। इसके साथ ही हमें अगर ये हम इधर टिक करें तो हमें ये टाइपिंग के लिए देता है कि आप इसका कोई नाम चूज़ कर सकते हैं, कोई नाम आपने को सेपरेट रखना हो तो इधर से फिर आप इसे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, वो जो नाम आपने सेलेक्ट किया उसी नाम से वो सेफ होगी, वरना अदरवाइज़ वो अपने ही जो उसका अपना प्रोसेसर का नंबर है उसी नाम से ही सेफ खुद ब खुद हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ पिन आउट उसकी सही लगानी है, जिधर उसने उसकी डायग्राम जिधर बोल रही है आपने उधर ही लगानी है और सीधी लगानी है, और आपकी सही परफेक्टली जो अनुसार वो आपकी जो फाइल रीड होगी इंशाल्लाह। तो सिलेक्शन सही होनी चाहिए, वायरें सही लगनी चाहिए, तो किसी तरह की कहीं भी लूजिंग नहीं होनी चाहिए, तो आपकी फाइलें परफेक्टली रीड होंगी। तो फ्रेंड्स को रीड करने का मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि फ्रेंड्स अगर हम आपका मॉड्यूल जो सा किसी भी गाड़ी का डैमेज हो चुका है, अगर हो सकता है कि गाड़ी वाटर डैमेज हो या फिर वैसे एक्सीडेंट हो गाड़ी, तो उसका मॉड्यूल जो सा वो टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो उसके अंदर जो प्रोसेसर है उसका, उसकी ईप्रोम या फ्लैश है, वो उसका डाटा कहीं नहीं गया, डाटा उसके अंदर ही है, तो आप उधर से उसका डाटा उठाओगे और डाटा कॉपी पेस्ट कर दोगे, उधर से कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, तो बहुत सारे ऐसे चल जाते हैं, लेकिन कुछ का फंडा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उनके लिए कुछ और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर जाके गाड़ी स्टार्ट होती है, क्लियर होती है। तो आज की सिंपली वीडियो में यही था आपके सामने कि आप कैसे बआसानी आप भी खुद भी अगर आपके पास ये टूल हो तो आप भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बात ये है कि टूल इस तरह के जोन्स हैं वो बहुत महंगे आते हैं, तो अगर आप के पास इस तरह का काम है फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप टूल ख़रीदो और काम शुरू करो और पैसा बनाओ। जी तो फ्रेंड्स वैसे तो हमारी वीडियो इधर कंप्लीट है, तो हर चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन इधर मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो मिस हो रही है कि बाकी फंडा तो सेम सेम है, FRM का भी और दूसरा कैश का भी। तो अभी हम FRM की सिलेक्शन देखेंगे कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है कि किधर जाके हम उसकी सिलेक्शन करते हैं और कैसे करते हैं, ये सिलेक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स हमने अपने कैश इमोबिलाइजर किट को जो सा हमने सक्सेसफुली रीड कर लिया, इसे रखते हैं साइड पे। तो अभी आते हैं हमने अपने FRM BCM पे, BCM को FRM भी बोलते हैं, तो अभी हम जाते हैं अदर में, तो BMW, तो इसकी फ्रेंड हम देखते हैं, इसके अंदर ढूंढते हैं अपनी, इसकी शक्ल मैच करते हैं, जैसे कि FRM में सबसे पहले कौन सा है, तो ये इसी क्लिक करते हैं। ओके तो फ्लैश में जाते हैं पहले, तो डायग्राम, तो ये आप देख सकते हैं जैसे किसे बड़ा करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं अगर आप इसे देखें तो ये सेम सेम है उसके साथ का ही। ओके तो अभी इसके बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक ही हम इधर इसी तरह जैसे कि आपको पहले बताया, और इसकी मज़े की बात यह है कि इधर भी इसकी जो अडाप्टर है वो यही लगेगा, तो बाकी फंडा जो सा वो सब सेम है,
ये सेटिंग इसकी रीड, और इसमें सिर्फ डिफरेंट ये है कि इसमें हमें आईडी रीड का भी देता है ऑप्शन, के आप आईडी भी रीड कर सकते हैं इसकी, उसे अटैच करके आईडी रीड कर सकते हैं आप।